हेलो क्लास नाइन्थ, आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल जैसा कि आप प्रीवियस किसी भी क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, सेवन्थ में, एट्थ में, तो नाइन्थ क्लास में भी सर्कल उसी से ही रिलेटेड है, बट थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं सर्कल के बारे में। जैसा कि सर्कल आपको पता है, सर्कल क्या होता है, कोई भी राउंड शेप में कोई भी आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए, जैसे कि आपके घरों में आपने देखा होगा घड़ी होती है, ठीक है, और क्या कह सकते हो आप, काफ़ी एक खिलौने भी होते हैं काफ़ी राउंड शेप में, ठीक है, तो मतलब कि गोल शेप में कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो उसको हम सर्कल बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सर्कल की अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें कि सर्कल क्या है, तो आप ये कहोगे कि कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट विद ए फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कल, ठीक है। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, देखो जैसे कि कार्टेशियन प्लेन आपको पता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उस टाइप में, ठीक है, तो ये इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब सपोज करो मैंने एक फिक्स पॉइंट लिया जिसको मैं नाम दे रहा हूँ ओ, ठीक है, फिक्स पॉइंट जिसको हम बाद में कहेंगे सेंटर, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट से मैंने एक डिस्टेंस भी लिया आर यूनिट का एक डिस्टेंस लिया जिसको हम कहेंगे रेडियस, ठीक है। अब इसको मैं 360 घुमाता हूँ, यहाँ से जैसे ये पॉइंट है, और भी कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस डिस्टेंस के साथ, आर यूनिट के डिस्टेंस के साथ जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स के कलेक्शन को ही हम क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। अगर मैं इन सबको मिला देता हूँ, इन पॉइंट्स को, तो एक क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या हुई, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट क्या आपका सेंटर विद अ फिक्स डिस्टेंस मीन्स रेडियस, ठीक है, वो क्या होता है, सर्कल होता है। अब सर्कल के अंदर ही काफ़ी इसकी टर्म्स होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, इसमें मैं तीन पॉइंट बना रहा हूँ, एक बना दिया ए, एक पॉइंट मैंने बनाया बी, और एक पॉइंट बनाया मैंने सी, तीन पॉइंट बनाए। तो अब आप आराम से ये बता सकते हो कि ए जो पॉइंट है ए, वो सर्कल के अंदर है, ठीक है, ए पॉइंट जो है वो क्या है, इनसाइड द सर्कल, ठीक है। बी पॉइंट जो है बी, वो कहाँ पर है, ऑन द सर्कल, ठीक है। बी पॉइंट जो है वो सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, ना अंदर ना बाहर, वो बिल्कुल सर्कल के, यू कह सकते हो, बाउंड्री के ऊपर। और सी जो पॉइंट है सी, वो क्या है, आउटसाइड द सर्कल, सी पॉइंट बाहर है, ए पॉइंट अंदर है, और बी पॉइंट जो है वो ऑन द सर्कल है, ठीक है। उसके बाद जैसे एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर, अब मैंने एक लाइन ली इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए, ए पॉइंट को बी पॉइंट से मिलाते हुए, ओ इसका सेंटर है, तो इस तरह की लाइन को क्या कहेंगे, ए बी जो है वो क्या है, एक कोर्ड, CHORD, कोर्ड, ठीक है। ऐसे ही जो लाइन या फिर जो कोर्ड सेंटर से होते हुए जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, डायमीटर, ठीक है। तो XY यहाँ पर क्या है, एक डायमीटर है, और एक वो कोर्ड भी है, और आप ये भी कह सकते हो कि डायमीटर ही सबसे बड़ी कोर्ड होती है, किसी भी सर्कल में डायमीटर ही सबसे बड़ी कोर्ड होती है, उसके बाद जितने भी कोर्ड्स होंगे ना वो सब छोटी ही होंगी डायमीटर से, तो ठीक है। अब अगर कोई कोर्ड, जैसे ये ए बी जो थी वो एक कोर्ड थी, है ना, अगर ये कोर्ड ऐसे क्रॉस करके चली जाए दोनों साइड,
इधर बी, या फिर इसको नाम देता हूँ डी, और इधर सी। तो ये सी डी जो है ये सर्कल से बाहर चलेगी इस तरह से, ठीक है, सर्कल के दोनों तरफ से बाहर चली गई वो। तो अब ये जो सी डी है, सी डी ये अब क्या बन जाएगा, एक सीकेंट, इसको हम क्या कहेंगे, सीकेंट, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कोर्ड, अगर कोई लाइन कहूँगा मैं, वो सर्कल को एक ही पॉइंट से टच करते हुए जाती है, ठीक है, एक पॉइंट से टच करके हो जाती है, ये मान लो M और ये N, ये पॉइंट P, इसका सेंटर O। अब यहाँ पर देखो ये MN और सर्कल सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो MN है ना इसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। MN जो है वो क्या है, टेंजेंट, ठीक है। और P जो है, P को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट और सर्कल मिले हैं उसको कहेंगे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। उसके बाद अब सर्कल के अंदर पार्ट्स करें अगर हम, ठीक है, बिल्कुल हाफ पार्ट तो क्या हो जाता है आपका, सेमी सर्कल, ये तो आपको पता ही है। इस तरह से कोई हम पार्ट बनाएं, ठीक है, ये इस तरह से हमने कोई पार्ट बनाया तो इस पार्ट को हम कहेंगे सेक्टर, ठीक है। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, जैसे ओ ए बी, तो ओ ए बी क्या है, एक सेक्टर है। और ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये भी क्या है, सेक्टर है। तो डिफरेंस क्या है इसमें, जो ये वाला पार्ट है ये है माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और ऊपर वाला जो है वो क्या है, मेजर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। उसके बाद कोई भी सर्कल के अंदर कोर्ड जो होता है, कोर्ड वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक नीचे एक ऊपर। तो ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है ये, ठीक है, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, सेगमेंट, कौन सा, माइनर सेगमेंट। और ऊपर वाला जो पार्ट बच गया ये पूरा, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का भी आपको पता लग गया। उसके बाद कोई पॉइंट, ठीक है, ये सब पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1, ठीक है, उसमें आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ये जो पॉइंट्स जो मैंने बताया ना, ये सभी पॉइंट्स और ये जितने भी टर्म्स बताई, ये आपको ध्यान रहनी चाहिए, क्योंकि ये 10th क्लास में भी आपको काफ़ी काम आएंगी, ठीक है। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1, उसमें आपको काफ़ी जो ये कितनी भी टर्म्स है वो यूज़ होंगी और आपको काफ़ी कुछ क्लियर भी हो जाएगा। काफ़ी आसान चैप्टर है अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 से। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं, क्या है उसके अंदर, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज, अच्छा इसमें ऑप्शन भी रखे, एक्सटीरियर या इंटीरियर। देखो आपको पता है कोई भी सर्कल है तो उसका सेंटर जो होता है वो अंदर होता है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, इंटीरियर, कि सर्कल कहाँ होता है ये पूछ रहा है, कि सर्कल जो सेंटर होता है वो सर्कल के अंदर, बाहर या उसके ऊपर होता है, तो सेंटर तो अंदर होता है, इंटीरियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन ब्लैंक ऑफ द सर्कल। देखो कोई एक पॉइंट है, ये एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, ये इसका सेंटर O, क्या कर रहा है, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, मतलब कि रेडियस से बड़ा है उसका डिस्टेंस, मान लो यहाँ तक है वो पॉइंट, तो O, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, तो देखो O से लेके B तक, ठीक है, OB जो है वो OA से क्या है, OB जो है वो OA से बड़ा है,
ठीक है, ओ ए मतलब रेडियस। तो कोई ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर से, जिसका डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा हो, वो पॉइंट कहाँ लाइक करेगा? सर्कल के बाहर लाइक करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ये पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल आएगा। उसके बाद द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज़ द, ये मैंने आपको बताया था, किसी भी सर्कल में सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है? डायमीटर, ठीक है। सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है? डायमीटर। फोर्थ पार्ट करते हैं, उसके बाद एन आर्क इज अ व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। देखो क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है। आर्क आपको पता है, आर्क क्या होता है? आर्क क्या होता है? आप कह सकते हो पीस ऑफ सर्कमफ्रेंस, ठीक है। जो सर्कमफ्रेंस होती है ना, उसका एक कोई टुकड़ा, जैसे ये टुकड़ा मैंने ले लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टुकड़ा क्या है? एक आर्क। इसको क्या कहेंगे हम? ए आर सी, आर्क, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है आपको फोर्थ पार्ट में? ये कह रहा है कि डायमीटर्स के दोनों एंड को मिलाते हुए कोई आर्क है, इस तरह से यहाँ से लेके ये पूरी कोई एक आर्क है। इस आर्क को आप क्या कहोगे? इस आर्क को आप क्या कहोगे? सेमी सर्कल। ये हाफ पार्ट है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेमी सर्कल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड पेयर ऑफ रेडियस, ठीक है। या तो आप ये कह सकते हो कि सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कोर्ड ऑफ द सर्कल। सॉरी, देखो ये एक सर्कल है, सेगमेंट क्या था इसमें? मैंने आपको बताया था ऊपर वाला मेजर सेगमेंट, नीचे वाला माइनर सेगमेंट, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट। तो ये हिस्सा जो है, ये किस किस के बीच में? ये है आर्क और कोर्ड के बीच में, ये लाइन की आपकी कोर्ड, ठीक है, और ये है आर्क। तो जो सेगमेंट, जो एरिया है, वो किस किस के बीच में होता है? आर्क और कोर्ड के बीच में, ठीक है। उसके बाद लास्ट पार्ट जो इसका, एक सर्कल, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन हाउ मैनी पार्ट्स। देखो सर्कल जो होता है, वो किसी भी प्लेन को, जिस प्लेन में वो सर्कल है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? मैंने आपको बताया था, देखो ये सर्कल है तो ये प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। कैसे? देखो, इनसाइड, एक आउटसाइड और एक ऑन द सर्कल, ठीक है, अंदर बाहर और एक उसके बिल्कुल ऊपर। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया इसने? थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया। आप कौन कौन से पार्ट्स है वो कह सकते हो आप? एक तो होगा इनसाइड या इंटीरियर कह सकते हो, एक ऑन द सर्कल, ठीक है, और तीसरा पॉइंट कौन सा होगा? आउटसाइड, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इनमें किसी में भी आपको कुछ भी डाउट्स रहे, किसी भी टर्म्स में या किसी भी पॉइंट में, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, तो वो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके भी, या फिर जब भी आपको टाइम लगे आप कहीं से भी आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन है, आपको ट्रू और फॉल्स में देना है और रीज़न भी देना है, ठीक है। फर्स्ट जो है सेकंड का, फर्स्ट क्या है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज़ अ रेडियस ऑफ ए सर्कल। क्या ये सही बात है? देखो कोई सर्कल है, ये सेंटर है उसका ओ, इस सर्कल पे कहीं पर भी कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से एक लाइन सेंटर को ज्वाइन कर रही है, क्या ये रेडियस है? आपको पता है ये रेडियस होती है, तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? ट्रू, ठीक है। इसका रीज़न क्या कहोगे? इसका रीज़न आप ये दे सकते हो कि सर्कल में होता ही क्या, एक सेंटर से, एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस, ठीक है, उस फिक्स डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, ओके। तो इसका आप सॉल्यूशन ये भी दे सकते हो, ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट है आपका, ए सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्ड्स, फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्ड्स। कह रहे हैं कि क्या किसी सर्कल में इक्वल कोर्ड्स, मतलब मान लो ये 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो क्या इसके अंदर फाइनाइट होती है? फाइनाइट मतलब 5, 6, जिनको हम काउंट कर सके। तो
इस साइज़ की कितनी कोर्ड हो सकती है? देखो ये 5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 5 हो सकती है, ठीक है, ये भी 5 हो सकती है। इस तरह से हम कितनी भी कोर्ड्स बना सकते हैं, 5-5 सेंटीमीटर की, इनफाइनाइट बना सकते हैं हम, कितनी भी कोर्ड बना लो। तो ये जो है ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। इसका रीज़न आप क्या दोगे, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट कोर्ड इन अ सर्कल विद इक्वल लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इफ़ ए सर्कल इज डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज़ अ मेजर आर्क, ठीक है। मान लो किसी सर्कल को हम 3 इक्वल आर्क में डिवाइड करते हैं। सपोज करो एक मैंने ली यहाँ से यहाँ तक ए बी, एक फिर मैंने ली यहाँ से लेके यहाँ तक सी से लेके डी तक, और एक मैंने लिया ई से लेके एफ तक। 3 आर्क बनाई मैंने, 1, 2 और 1, 3। अब तीनों आर्क जो है क्या वो सर्कल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, मीन्स 3 जो भी पार्ट बने क्या ये सभी मेजर, एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं कहाँ गया, ये रहा। इफ़ ए सर्कल इज डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज़ अ मेजर आर्क, क्या तीनों मेजर आर्क होगी? नहीं, तीनों ही इक्वल आर्क है। मेजर कौन सी होती है, जब कोई छोटा होगा तभी तो कोई बड़ी होगी। जैसे मान लो ये छोटी है यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी, ठीक है, अगर ये छोटी आर्क है तो इस साइड से देखें तो ये बड़ी आर्क है, ठीक है। अब इसमें तो तीनों ही इक्वल है तो इसमें मेजर और माइनर तो हम बता ही नहीं सकते, तीनों ही इक्वल आर्क है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट, इसमें आप दे सकते हो रीज़न कि फॉर मेजर आर्क वी नीड अ माइनर आर्क। अब माइनर ही नहीं है तो मेजर कहाँ से आएगी। उसके बाद फोर्थ पार्ट में, ए कोर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इज रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये मैंने आपको बताया था, मान लो किसी सर्कल में रेडियस का दुगना, ठीक है, रेडियस यहाँ तक होती है, इसका डबल मतलब इस साइड, तो इस तरह की कोर्ड को हम डायमीटर कहते हैं क्या? जी हाँ, रेडियस का दुगना ही तो डायमीटर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है, इसको हम कहेंगे ट्रू। और उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, यस ट्वाइस ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स। सेक्टर क्या होता है, देखो ये सर्कल है, इसके अंदर एक आर्क ली हमने, सपोज करो ए से लेके बी तक एक हमने आर्क ली, ठीक है। अब सेक्टर क्या होता है, ओ को ए से मिलाओ, ओ को बी से मिलाओ, ये दोनों क्या है, ये दोनों रेडियस है, तो सेक्टर जो होता है वो किस किस के बीच में होता है, सेक्टर होता है आर्क एंड पेयर ऑफ रेडियस, आर्क और पेयर ऑफ रेडियस के बीच में होता है। इसने कहा कि सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, तो इसको क्या कहेंगे आप, ट्रू कह सकते हो आप इसको, कैसे, देखो फोर्थ पार्ट, ए कोर्ड इज अ सर्कल, सॉरी फिफ्थ पार्ट कर देना, सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सेक्टर क्या होता है, वो तो पेयर ऑफ रेडियस एंड आर्क के बीच में होता है, ठीक है। कोर्ड कहाँ गया, हमने बनाया था अभी, देखो कोर्ड और आर्क के बीच में तो सेगमेंट होता है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स, फिफ्थ पार्ट आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आप कह सकते हो कि सेक्टर इज द रीजन इन बिटवीन पेयर ऑफ रेडियस एंड आर्क। उसके बाद है लास्ट पार्ट आपका, सिक्स्थ पार्ट, उसमें क्या है, ए सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर। यस, सर्कल जो होता है वो क्या होता है, प्लेन फिगर ही होता है, ठीक है। देखो स्फीयर और सर्कल दो अलग चीज़ें, स्फीयर जैसे आपकी क्रिकेट की बॉल, वो 3D में आती है, उसकी कुछ ना कुछ हाइट भी होती है, बट सर्कल जो होता है वो 2D होता है, 2 डायमेंशन होते हैं, उसको हम किसी भी प्लेन में बना सकते हैं। कुछ ना कुछ मान लो पॉइंट्स हो हमारे पास, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो अगर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हो विद कोऑर्डिनेट्स तो उनको हम मिला के एक सर्कल बना सकते हैं। तो सर्कल क्या होता है आपका, 2D होता है। तो क्वेश्चन क्या था आपका, ए सर्कल इज अ प्लेन फिगर, यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, यस वी कैन ड्रॉ द सर्कल ऑन कार्टेशियन प्लेन, या फिर कह सकते हैं इन 2D प्लेन, ठीक है। तो गाइज ये था सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 10.1। अब किसी भी टर्म्स में या किसी भी इंट्रोडक्शन में आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।